प्यारे विद्यार्थियों, अभ्यास 5.1, सवाल नंबर 1, रेखाखंड की तुलना केवल देख के करने विच की नुकसान है। जिवें कि तुहानू पहले दस चुके हाँ कि रेखाखंड जो है उसकी एक निश्चित लंबाई हुंदी है, दो अंत बिंदु हुंदे हन। आपां जेकर रेखाखंड नूं देख के उसकी तुलना करिए तां वह अपना अंदाजा गलत हो सकता है। इस करके रेखाखंड की तुलना हमेशा उसनूं स्केल नाल, मापक नाल, उसकी लंबाई नाप के फिर उसकी तुलना की जाती है। तो इसका उत्तर यही होएगा कि रेखाखंड की तुलना केवल देख के करन नाल ए गलत हो सकती है। सवाल नंबर 2, एक रेखाखंड की लंबाई मापन दे लई फुट्टे के मुकाबले विभाजक की वरतों करना क्यों चंगा क्यों है? क्योंकि जो विभाजक है उसके कि दो नुकीले कॉर्नर होंगे, रेखाखंड के कि दो अंत बिंदु होंगे, पूरे आप उसनों अंत बिंदुओं से रख के उसनों आप नाप सकते हाँ। फर्क बहुत घट पैंदा, कुछ MM दे विच फर्क पै सकता है जेकर आप स्केल नाल नापन विच गलती करते हाँ। बाकी इस करके आप कहने कि विभाजक नाल नापना चंगा हुंदा है। तुसीं कदी लाइन नापते हो तो विभाजक नाल उसनों नाप के उसका लंबाई पता कर सकते हो, पर अक्सर आप टाइम की बचत करने वास्ते आप स्केल नाल नापते हाँ। कोई भी लाइन इस तरह ड्रा की होंगी तो उसनों आप स्केल रख के बराबर उसनों नापते हाँ, पर जेकर आप इसनों विभाजक नाल नापांगे तो पूरा आप इस अंत बिंदुओं से उसनों लगा के उसका नाप ले सकते हाँ। सवाल नंबर 3, कोई रेखाखंड ए बी खिंचो, ए अते बी विचकार कोई बिंदु सी लो, ए बी अते सी ए दी लंबाई नापो कि ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी है। तुसीं अपनी नोटबुक दे उपर एक रेखाखंड इस तरह ए बी बनाउणा है जिसकी लंबाई भी तुसीं नाप लैणी है। मान लो कि ए बी मैं 10 सेंटीमीटर बनाया, ए बी दी लंबाई किन्नी, तुसीं 10 सेंटीमीटर दी एक लाइन बनाउणी है। उस तो बाद उस दे विचकार एक बिंदु सी लेना है, सी नूं तुसीं इस लाइन के उपर कितें भी बना सकते हो, ये बिंदु सी होएगा। फिर तुसीं ए बी बी सी और सी ए दी, ए बी दी लंबाई आपां माप चुके हाँ, ए सी दी लंबाई नापदे हाँ, मान लो 4 सेंटीमीटर है और सी बी या बी सी 6 सेंटीमीटर है। फिर उस तो बाद आपां दसना कि ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी है, तो इसका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि जेकर तुसीं इसनों सही नापते हो तो ये उसके बराबर होगा। मैं तो इसनों बिल्कुल राउंड फिगर करके तुहानूं करके दिखाया, तुसीं कॉपी के उपर इसनों करके देखोगे तो कुछ पॉइंटां दे विच आएगा कुछ MM, यानी कि 4.5 या 4.6 MM हो सकता है। तुसीं नाप के नहीं निशान मारना, निशान लाने तो बाद इसनों नापना है। तो ए बी 10 होएगा, ए 4 प्लस 6 10 बराबर 10, ये हमेशा बराबर आते हैं। जेकर आप रेखाखंड के उपर कोई एक बिंदु लैके उसनों नापते हाँ तो पूरे रेखाखंड को दो भागों में बनता है और दोनों भागों का लंबाई का जोड़ पूरे रेखाखंड के जोड़ के बराबर होता है। सवाल नंबर 4, जिस विच एक रेखा उत्ते बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित हैं, ए बी 5 सेंटीमीटर, और बी सी 3 सेंटीमीटर, और ए सी 8 सेंटीमीटर है, इन्हां विचों केड़ा बिंदु दूसरे दोवां बिंदुओं के विचकार स्थित है? तो इन्हां दे विच आपां देख सकते हैं कि ए बी सी एक रेखा उपर इस तरह हैं, एक रेखा इस तरह है जिस विच ए बी और सी है। ए बी किन्ना 5 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है, और ए सी सारा किन्ना 8 सेंटीमीटर है पूरा। तो इस उपर आप दस सकते हैं कि बी बिंदु ए अते सी दे विचकार स्थित है। सवाल नंबर 5, जांच करो कि रेखा
कि डी रेखाखंड ए जी का मध्य बिंदु है। अपन एक रेखा दिती गई जिस उपर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक इस तरह ये तुहाडे मैथ दी बुक दे विच जो सवाल दिता गया है इहदे उपर मार्किंग की गई है ए बी सी डी ई एफ और जी। इस विच आपां की दसना कि जो डी बिंदु है ए जड़ा ए इस दे ए जी यानी कि इतों लैके जी तक एक तो लैके सत तक इस दे मध्य विच है। एक तो तुसी उंज अंदाजा ला सकते हो कि 1, 2, 3 इस दे लैफ्ट ते ने 3 राइट ते ने ते डी विचाले है। ये आपां सीधा अंदाजा ला लिया कि ए इसका मध्य बिंदु है। पर इसनों आपां करना किस तरह है ए डी टोटल रेखाखंड इधर किन्ना बनता है ए डी या तो आपां इसनों एक एक मान लीए इकाई इन्हां दी या फिर आपां एक तो डी तक वैसे आपां गिनती कर लैंदे हां इसदी 1, 2, 3 या फिर इसनों आपां नाम दे सकते हाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ए की 3 दे बराबर है। फिर दूसरा डी जी इस दे विच डी ई जोड़ ई एफ जोड़ एफ जी ए भी 3 है। दोनों पासे 3 3 इकाइयां बराबर हैं तो ए डी बराबर डी जी इन्हां दे विच ए डी जो डी जी के बराबर होएगा तो डी ए जी का मध्य बिंदु होगा। सवाल नंबर 6 जिस विच बी रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु है अते सी रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है जिथे ए बी अते सी डी एक ही रेखा उत्ते स्थित हैं। दसो कि ए बी बराबर सी डी क्यों है। सवाल नूं समझो बी ए सी का मध्य बिंदु है कोई रेखा ए सी है इसनों आपां ए सी नाम दिंदे हां इसका मध्य बिंदु की है बी है। फिर अते सी रेखाखंड बी डी का जो एक रेखाखंड बी डी है और सी बी डी का मध्य बिंदु है जिथे ए बी अते सी डी एक ही ए बी अते सी डी एक ही रेखा उत्ते स्थित हैं। दसो कि ए बी बराबर है सी डी क्यों है। जेकर बी ए सी का है तो इसका मतलब की होगा ए बी बराबर है बी सी होगा और फिर सी बी डी का है तो बी सी बराबर है सी डी। तो इन्हां दे विच की कि जेकर ए बी बी सी के बराबर है और बी सी सी डी के बराबर है तो ए बी बराबर सी डी होगा। सवाल नंबर 7 5 त्रिभुजा बनाओ अते उन्हां दीआं भुजावां नूं नापो। हरेक स्थिति विच जांच करो कि किसी भी दो भुजावां दी लंबाई दा जोड़ तीसरी भुजा दी लंबाई तों हमेशा वड्डा हुंदा है। कोई भी तुसीं 5 त्रिभुजा बनाउणियां हन तुहानूं मैं एक त्रिभुज दा बना के दसदा हाँ बाकी तुसीं 4 खुद बनाउणियां हन। त्रिभुज की आपां इस तरह दे कोई भी त्रिभुज इक बनाउंदे हाँ इसका तुम नाप लेना है मान लो कि 3 सेंटीमीटर है ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है तो किसी भी दो भुजावान का जोड़ इसका तुम या तो इतने लिख सकते हो 3 जोड़ 4 वड्डा है 5 तो 7 वड्डा है 5 तो इस तरह इसकी भुजा या फिर इन्होंने भुजावान नाम दे सकते हो एक्स वाई जैड या ए बी सी भुजा का नाम दे सकते हो और पंजे अंदर जहाँ तो अलग अलग तुम कर सकते हो कि एक त्रिभुज बनाई उसका नाप किया कि एक्स बराबर है 3 सेंटीमीटर वाई बराबर है 5 सेंटीमीटर और जैड बराबर है 4 सेंटीमीटर फिर उसनों इस तरह करके तुम दिखा सकते हो या फिर तुम पूरा इसका टेबल बना सकते हो पंजे त्रिभुजा बना के उन्हों का नाप लैके
फिर त्रिभुजां दे इत्थे नाम लिख लेने, पहला लिखोगे त्रिभुज केड़ी है, फिर उसके एक्स वाई और जेड तिना का तुसी नाप लिखना। इत्थे नाप लिखने तो बाद उसके अगे गणना करनी है कि गणना की करोगे एक्स प्लस वाई या वाई प्लस जेड या प्लस वाई प्लस जेड और वाई प्लस जेड और एक्स प्लस जेड तिना का जोड़ तुसी करके देखना है। मान लो इसका चार है, ये पांच पांच है और ये छे है, तो एक्स वाई का जोड़ कितना होगा, चार प्लस पांच नौ, वाई और जेड का छे पांच ग्यारह, एक्स और जेड का दस। तो ये दो एक्स वाई का जोड़ जेड तो ज़्यादा है, वाई जेड का जोड़ ग्यारह चार तो ज़्यादा है और एक्स जेड का जोड़ पांच तो ज़्यादा है। इस तरह तुसीं एक ही त्रिभुज अपने एक्स वाई जेड या इस त्रिभुज वन का नाम दे दिया जी, त्रिभुज वन या ए। इस तरह तुसीं बाकी त्रिभुजों का भी जिन्ना नाप करोगे नाप के इत्थे पूरे का पूरा लिखना है, और पंज त्रिभुजों का इस तरह चित्र बना के उसनों जिथे स्केल दे नाल नापोगे नाल दे नाल उसका नाप लिखते जाना, और उस तो बाद टेबल बना के इसनों हल कर सकते हो। धन्यवाद।